ब्रिटेन में कल हुए आम चुनावों में मतों की गिनती के बाद अब नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और शुरुआती नतीजे जो आ रहे हैं उसमें विपक्षी लेबर पार्टी के पक्ष में हवा जाती हुई दिखाई दे रही है। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी फिलहाल पीछे चल रही है। अभी 650 सीटों में जो यहां पर शुरुआती नतीजे आ रहे हैं उसमें लेबर पार्टी के खाते में 62 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 62 सीटों के नतीजे जो अभी तक आ रहे हैं और शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं उसमें लेबर पार्टी में 62 और कंजर्वेटिव को 39 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि लेबर पार्टी जो है वो काफी आगे चल रही है। इसके अलावा स्कॉटिश नेशनल पार्टी, प्लेड कैमरू, द पार्टी ऑफ वेल्स, डेमोक्रेटिक यूनिटी पार्टी भी कुछ कुछ सीटों पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सत्ता परिवर्तन ब्रिटेन में साफ तौर पर यहां दिखाई दे रहा है। आम चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और चुनाव के बाद जो सर्वेक्षण हुए थे उसमें सत्ताधारी कंजर्वेटिव को बढ़त दिखाई जा रही थी, लेकिन यहां पर लेबर पार्टी आगे चल रही है।